Hi everyone, so here is the another episode of my CA Intermediate Journey, and this video is really very very special and relevant for all of you who are preparing for their exams. And कई बार अपन सोचते हैं कि यार मेरी पढ़ाई नहीं हो रही है, मेरा टाइम मैनेज नहीं हो रहा है, मेरा सिलेबस बाकी है, मेरा बैकलॉग जनरेट हो गया है या मेरी क्लासेस पेंडिंग है. तो उन सभी सिचुएशंस को हैंडल करके अपन अपनी कैसे जर्नी कंप्लीट करते ना. सो इन वीडियोज़ के थ्रू मैं वही शेयर कर रहा हूँ कि हाउ आई कंप्लीटेड माई सी इंटरमीडिएट जर्नी एंड वॉट वॉज द सिचुएशन विच आई हैव फेस ऑल्सो, एंड मैंने उन चीज़ों का सोल्यूशन कैसे निकाले थे. सो शुरू करते हैं. 13 सितंबर 2021 को आई क्लियर्ड माई सी ए फाउंडेशन एग्जाम्स एंड फाइनली बिकेम एस सी ए इंटरमीडिएट स्टूडेंट. एंड उसी दिन मुझे रियलाइज़ हो गया था कि इफ़ यू जेन्युइनली वर्क फॉर समथिंग विथ ऑनेस्टी एंड प्रॉपर डिटर्मिनेशन एंड डेडिकेशन एंड विथ कंसिस्टेंट एफर्ट्स, देन देर इज़ नथिंग विच कैन स्टॉप यू टू अचीव दैट थिंग. एंड ऑन द सेम डे आई मेड इट वेरी क्लियर कि मुझे फाउंडेशन की तरह अब मुझे वापस से फेल नहीं होना है. आई डोंट वॉन्ट टू फेल लाइक फाउंडेशन अगेन. So I decided I have to clear my both groups together in the very first attempt anyhow. हाँ, तो जिस दिन मेरा फाउंडेशन का रिजल्ट आया था ना, उस दिन मैं बहुत खुश था. बिकॉज देखो, ठीक एक साल बाद मेरे पास किसी को कुछ बताने के लिए था. एंड पिछले एक साल से मैं वेट ही कर रहा था इस दिन का कि कब मैं मेरी सिचुएशन में क्या कर रहा हूँ, मैं किसी को बता पाऊँगा. बिकॉज मैं फर्स्ट फाउंडेशन एग्जाम में फेल हो गया था. एंड उसके बाद सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्कुल लो था, सेल्फ डाउट्स बहुत सारे थे और बहुत सारे कैपेबिलिटीज़ पे डाउट्स उठ गए थे. बट जैसे ही मैंने उस चीज़ से फाइट बैक करके, सेल्फ प्रिपेयर करके वापस से उस चीज़ को अचीव करा, सो उस दिन मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई थी कि मैंने फाइट बैक करा और फाइनली आई हैव अचीव दिस. उस दिन मैंने मेरे फ्रेंड्स को बताया, मेरे फैमिली मेम्बर्स को बताया, जिनसे भी बात होती थी उनको भी बहुत खुशी हुई. और जनरली उस दिन बहुत अच्छा दिन था जब मैं फाउंडेशन के एग्ज़ाम में पास हो गया था. सब्सिक्वेंटली ऑन द सेम डे I got registered myself for the CA Intermediate on SSP portal. मैंने बिना वेट करे मैं इंटरमीडिएट के लिए रजिस्टर होगा क्योंकि बुक्स ऑर्डर करनी रहती है. उसके नेक्स्ट डे ही मेरे को कोचिंग जाना था फॉर इंटरमीडिएट. जैसे कि मैंने फर्स्ट एपिसोड में शेयर करा था, अगर आप नहीं देखा हो तो आप देख लेना, कि मैंने इंटर के लिए अर्ली बैच स्टार्ट कर दिया था बिफोर माई फाउंडेशन रिजल्ट. सो मेरी वो कोचिंग कंटिन्यू थी और अब मेरे माइंड में एकदम क्लियर माइंडसेट था कि अब मुझे कोचिंग में जाना है और सिर्फ इंटरमीडिएट के लिए पढ़ाई करनी है. बिकॉज उससे पहले कई सारे थॉट्स और बहुत सारी चीज़ें थी माइंड में. एक वे नहीं था कि मुझे इंटरमीडिएट पढ़ना चाहिए या मुझे वापस से फाउंडेशन की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि रिजल्ट नहीं आया था और वो सारे डाउट्स माइंड में चल रहे थे. जब मैं नेक्स्ट डे कोचिंग गया तो वहाँ पे कुछ फ्रेंड्स थे और कुछ नहीं थे, बिकॉज किसी किसी का क्लियर नहीं हो पाया था सी ए फाउंडेशन का एग्ज़ाम. तो वो देखो पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ है, वो सबके साथ कभी ना कभी फेस आता ही है. बट उसी दिन से इंटरमीडिएट की हमारी जर्नी है जो फुल फ्लैश स्टार्ट हो गई थी, जो क्लासेस वगैरह प्रॉपरली शेड्यूल हो गई थी एंड विद अ प्रॉपर डिसिप्लिन मैनर हमारा एक टाइम स्ट्रक्चर्ड शेड्यूल तैयार हो गया था जो हमें फॉलो करना था. मॉर्निंग से लेकर इवनिंग तक कंटिन्यूसली हमारी क्लासेस थी. एंड उस दिन मैंने मेरे माइंड में ये क्लियर डिसीजन ले लिया था कि मुझे मेरे सी इंटरमीडिएट को एक बार में क्लियर करना है. एक ग्रुप दो ग्रुप क्या होता है ये मुझे बिल्कुल, मैंने ये कभी दिमाग में लाया नहीं कि मुझे एक ग्रुप देना या दो ग्रुप देना, बिकॉज मुझे बस उस लेवल को क्लियर करना है. अब उसके लिए ऑब्वियसली हमें पूरी स्टडी करनी रहेगी 100%, बिकॉज हमें कुछ छोड़ना नहीं चाहिए. तो इस हिसाब से मैंने मेरा माइंडसेट बनाया था. सो डेली क्लासेस चलती थी मॉर्निंग 7-7:30 बजे से लेकर शाम को 6 बजे अराउंड तक, बीच में 1-1.5 घंटे का ब्रेक रहता था. तो ये मेरा शेड्यूल शुरू हो गया था. फिर ये शेड्यूल मेरा सितंबर में, तो मेरा फाउंडेशन क्लियर हो गया था, तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर 3 महीने कंटिन्यूसली ये शेड्यूल चला था. और जनवरी के स्टार्टिंग तक हमारी कुछ क्लासेस थी, उसके बाद हमारी लीव्स आ गई थी फॉर इंटरमीडिएट, क्योंकि हमारा मई अटैम्प्ट था तो हमें 3 से 3.5 महीने स्टडी के लिए मिल गए थे. क्योंकि हमारा फाउंडेशन 1 महीना डिले हुआ था तो इसलिए हमें 1 महीना कम मिला था, हमें 7 मंथ्स अराउंड मिले थे इंटरमीडिएट के लिए, वैसे 8 मंथ्स रहते हैं. तो ऐसे करके हमारी इंटरमीडिएट की जर्नी हुई थी. अब देखो, मैंने अक्टूबर नवंबर दिसंबर ये 3 महीने आपको ऐसे सेकंड्स में बता दिए, बट ये इतने ईजिली स्पेंड नहीं हुए थे. सो देखो हुआ क्या था ना कि 10 से 20% जो सिलेबस है वो तो फाउंडेशन के रिजल्ट तक ही खत्म हो गया था, क्योंकि हमने पहले बैच स्टार्ट कर लिया था. बाकी 20-30% रिजल्ट है जो वो शुरू हो गया था अक्टूबर अराउंड हो गया था. ऐसे करते करते हमारा सिलेबस नियर टू एंड आ गया था. बट हुआ क्या कि जब ऐसे सिचुएशन था, इतना बड़ा शेड्यूल बना, सो कुछ ना कुछ बैकलॉग्स जनरेट होते गए और चीज़ें छूटती गई. और कई बार कुछ रिलेटेड चीज़ें थी कि अगर आपको एक पर्टिकुलर चीज़ समझनी है तो इसके लिए आपको उसका पिछला वाला रेस्पेक्टिव चैप्टर भी समझना पड़ेगा, तब जाके आप इसको समझ सकते हो. तो ये तो कवर है नहीं, तो हम ये वाली चीज़ को कैसे समझेंगे. सो ऐसे करते करते कुछ सिचुएशंस बढ़ती गई और ये चीज़ें चलती गई. और डेली क्या रहता था ना कि शाम तक रूटीन रहता था, फिर घर जाके थोड़ा बहुत होमवर्क कर लेते थे, फिर ऑब्वियसली नींद आती है, थक जाते थे यार. तो ये एक शेड्यूल चलता था. बट उस टाइम पे चीज़ों को कैसे प्रॉपरली मैनेज करना है ये समझ नहीं आ रहा था, इतनी क्लैरिटी तब भी नहीं आ रही थी. सो फिर क्या हुआ कि अक्टूबर नवंबर जैसे हुआ,
उसमें क्या हुआ कि फिर मैंने डिसाइड कर लिया कि नहीं भाई, मुझे मैनेज करना ही पड़ेगा, बिकॉज मुझे सी इंटरमीडिएट एक बार में क्लियर करना है। तो मैं ऐसे नहीं कर सकता, अनस्ट्रक्चर्ड वे में नहीं चल सकता, मुझे कुछ स्ट्रक्चर्ड प्लानिंग करनी पड़ेगी। और मैंने एक दिन बैठ के पूरा डिसीजन बना लिया और कैसे कैसे प्लानर रहेगा मेरा और मुझे क्या क्या स्टडीज़ करनी है, एकदम मैंने फोकस होकर वो शेड्यूल बनाया। बट हुआ क्या ना, वो कहते हैं कि कुछ प्रॉब्लम्स आती है तो वो एक साथ बहुत सारी प्रॉब्लम्स लेके आती है। नवंबर अराउंड में ना मुझे स्किन एलर्जी हो गई थी, मेरे फेस पे बहुत सारे एक्नेस वगैरह और मेरे फेस पे रैशेस हो गए थे बहुत सारे, एंड आई वॉज नॉट एबल टू प्रॉपरली वॉश माई फेस और बहुत ज़्यादा इट वॉज़ वेरी इरिटेटिंग एंड हर्टिंग। सो मुझे हर जगह मास्क लगा के जाना पड़ता था, कोचिंग सेंटर में भी, और मैं प्रॉपरली नहीं जा पाता था। बट उस चीज़ से मेरा जो मेंटल पीस है ना, वो थोड़ी और कम हो गई थी, बिकॉज मैं प्रॉपरली विजिब मतलब खुद को ऐसे शो भी नहीं कर पा रहा था और थोड़ा सा मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, एम्बेरसिंग लग रहा था कि मेरे फेस इतना ख़राब कैसे हो गया और ये सब चीज़ें, और वो एलर्जी से मुझे बहुत पेन भी होता था। तो ये चीज़ें चली, तो मैं बस यही सोचता था कि यार फटाफट से क्लासेस ख़त्म हो जाए एक बार, तो घर जाके बैठे और आराम से कहीं जाना ना पड़े और घर बैठ के पढ़ाई करें, बस ये मेरे माइंड में वो चीज़ आ गई थी। बट जैसे तैसे दिसंबर निकल गया, फिर अब एंड आते आते अब माइंड में बस यही था कि बस क्लासेस ख़त्म हो जाएँ, बाद में ही स्टडी होगी, अभी कुछ नहीं हो सकता, बस एक बार कोर्स ख़त्म करना है। सो देखो, उन 3-4 महीनों में जब क्लासेस का टाइम था, आई वॉज डिसिप्लिन, मैं डेली 12 घंटे क्लासेस अटेंड कर रहा था, बट मैं प्रैक्टिस नहीं कर पा रहा था। जिस चीज़ की गलती या जो लर्निंग मुझे मिली बाद में, मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये मैंने क्या कर दिया, मुझे सही करना चाहिए था। सो मैं आपसे यही कहूँगा कि अगर आप आपकी क्लासेस ले रहे हो टाइमली, तो आपको उसी सेम डे या उसके नेक्स्ट डे तो बिल्कुल ही आपको उसका होमवर्क ख़त्म कर देना है और आपको सेम डे रिवाइज़ भी कर लेना है। ये आपको बहुत हेल्प मिलेगी क्योंकि सिलेबस बहुत वास्ट है। तो जैसे ही क्लासेस ख़त्म हो गई थी, तो अब सेल्फ स्टडी का पीरियड स्टार्ट होना था। सो जनवरी मिड से लेकर के अप्रैल तक हमारा सेल्फ स्टडी का पीरियड था, फिर मई में हमारे एग्जाम थे, तो बीच में 3 महीने में 2 मॉक टेस्ट सीरीज़ वगैरह भी थी, 2 या 3 जो हमें देनी थी ताकि हम हमारे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर हो सकें। सो 3 साढ़े 3 महीने मेरे पास मेरे सी इंटरमीडिएट की जर्नी के लिए एट लास्ट बचे थे, जो मुझे सेल्फ स्टडी करनी थी, और क्लासेस का ही टाइम खत्म हुआ था, अभी तक कुछ रिवाइज़ नहीं करा था, अब सब कुछ बैठ के रिवाइज़ करना है, पूरे 8 सब्जेक्ट्स कम्प्लीटली। एंड देखो, मेरा फर्स्ट फाउंडेशन में एक अटैम्प्ट लग चुका था, 3 महीने तो मुझे मेरे फाउंडेशन में भी कम लग रहे थे। सो अब 3 से सवा 3 महीने में मुझे 8 सब्जेक्ट विद डबल एफर्ट्स मुझे इंटरमीडिएट को क्लियर करना था। तो ये एक चैलेंजिंग सिचुएशन मेरे सामने आ गई थी जब मुझे रियलाइज़ हुई, जब मैं सेल्फ स्टडी करने बैठा। सो फिर क्या हुआ ना कि मैंने, सो देखो, इसके लिए आपको नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट करना रहेगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है, सो प्लीज़ लेट मी नो, आई विल डेफिनेटली पोस्ट। एंड अलॉन्ग विद दैट आई एम डूइंग माई फाइनल प्रिपरेशन, बिकॉज मेरे फाइनल का अटैम्प्ट भी आने वाला है। सो मुझे जैसे ही टाइम मिलता है, आई एम डूइंग दिस एंड अपलोडिंग दिस। और अगर किसी को भी कोई भी हेल्प की रिक्वायर्ड है या कोई भी चीज़ें समझ नहीं आती है कुछ स्ट्रैटेजी में या कुछ भी प्लानिंग में, सो आप डेफिनेटली मुझे DM कर सकते हो मेरे टेलीग्राम चैनल पर, मुझे आप बता सकते हो। जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा, आई विल डेफिनेटली रिवर्ट, और मैं करता भी हूँ वहाँ पर, आप देखोगे। सो ये मेरे टेलीग्राम चैनल का ग्रुप का लिंक है, आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। सो चलिए, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन।